क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, आज संपूर्ण कलीसिया संत बैथिल्डिस का पर्व मनाती है। वे एक क्रिस्ती बालिका थी। मेजरडोमा के राजा क्लोविस द्वितीय को उन्हें बेच दिया गया। उनकी खूबसूरती एवं क्रिस्ती मूल्यों को देखते हुए राजा ने 649 में उनके साथ विवाह किया। उनके विवाह के बाद उनके 3 संतानें हुई। 7 वर्ष बाद राजा क्लोविस द्वितीय की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र की उम्र केवल 5 वर्ष ही थी, जिसके कारण संत बैथिल्डिस को रानी बनाया गया। उन्होंने अपना कार्यभार बखूबी निभाया एवं क्रिस्त मूल्यों पर अपने सभी कार्यों को करते हुए उन्होंने जीवन बिताया। उन्होंने विशेष रूप से अस्पतालों को बनवाया, कई मठ बनवाए एवं लोगों पर लगे कर को उन्होंने माफ़ किया, जिसके कारण लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए और वे ईश्वर का गुणगान करते रहे। 15 वर्षों तक उन्होंने गरीबों की सेवा की तथा उन्होंने मनुष्यों को खरीद एवं बेचने के व्यापार को बंद किया। उन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय वचनों पर चलते हुए बिताया। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 680 में हुई। आइए कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस संत के माध्यम से प्रार्थना करें कि हम भी विनम्र होकर गरीबों की सेवा करें।